हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन द मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। सो अगेन आप जान से जानते ही हैं कि हमने 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इसके आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं और हमारा टारगेट जो है वो आज लाइक कल तक हमारे 200 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएंगे। ये 200 क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ में है। अराउंड 200 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर किए हुए हैं और इसके भी इंटरनल भी बहुत सारे हमने टॉपिक जो है वो कवर किए हुए हैं। तो मान के चलो अभी तक हम लोग 300 टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं, अगर इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से किया है तो ठीक है। और एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि जो बहस छिड़ी हुई है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, इन सबसे बाहर निकल के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कुछ नहीं रखा है इन बहस में, है ना। एग्जाम होगा नहीं होगा, आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो बस अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। चलिए तो आगे का सीरीज शुरू करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। तो 176 हमारा क्वेश्चन नंबर है और आप लोग अपने स्कोर तो वैसे भी नहीं भेजते हैं, बट कोई बात नहीं, अपना खुद का एनालिसिस करते जाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोसेस आपको पता ही है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देख के वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर लगाइए। वो भी आपको जो आंसर निकालना है वो 60 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर्स निकालना है और आंसर्स निकालने के बाद फिर आप चेक कीजिए कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये जो 15 क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट ले लो, 20 मिनट में आपका ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज अ फर्म नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेफर एफडीआई टू लाइसेंसिंग, क्या इसका रीजन हो सकता है कि नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड। सो द फर्म हैज अ वैल्यूएबल नोन हाउ दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। द फर्म नीड राइट कंट्रोल ओवर द फॉरेन एंटिटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स मार्केट शेयर एंड अर्निंग इन इट्स कंट्री। अ फर्म फेसेस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टैरिफ। द फर्म्स स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज आर डिफिकल्ट टू रिप्लीकेट इन द फॉरेन मार्केट। इनमें से ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिसमें बोला गया है कि एफडीआई लाइसेंसिंग के लिए एक तरह से जो है वो नहीं हो रहा है ना। व्हेन इज अ फर्म नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेफर एफडीआई टू लाइसेंसिंग, फर्म जो है वो एफडीआई को प्रेफर नहीं कर रही है, कब नहीं करती है। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, इसका सही आंसर है सी। जब उसको लग रहा है कि उसका कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत हाई जा रहा है, उसको बहुत सारा टैरिफ देना पड़ रहा है, तो इस तरह के केस में एफडीआई जो है वो अननेसेसरी, लाइसेंसिंग के लिए एफडीआई जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो वो हमारे बिजनेस का उद्देश्य नहीं होता है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, द रीजंस व्हाई फर्म एंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है। तो व्हाई, क्यों फर्म जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्वॉल्व होती है, ये आपसे पूछा गया है। क्या उसे न्यू मार्केट में एंटर होना है इसलिए, या फिर एबिट बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, या फिर रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर डेवलपिंग एंड डिफ्यूजिंग टेक्नोलॉजीज, किस वजह से ऐसा होता है ये आपको बताना है। आंसर चूज करिए, क्या लगता है आप लोगों को क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। द राइट आंसर इज डी गाइस, इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी। क्यों चूज करती है, तो पहला तो है आपका न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए, ये तो है ही है, ये तो होना ही होना है, ये तो है ही है। दूसरा रीजन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि शायद उस जगह पर ये बिजनेस अलायंसेस में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर रहे हैं जिनके पास वो चीज आसानी से अवेलेबल है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी के साथ में टाई अप हो रहा है। फिर या फिर एक नए प्रोजेक्ट के लिए हम जुड़ रहे हैं। और द लास्ट वन इज डेवलपिंग द डिफ्यूजिंग टेक्नोलॉजीज, तो इस वजह से भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को किया जाता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर दो कंपनीज जो हैं वो आपस में मिलती हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बट उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो अलग ही रहती है, वो अपने खुद के डिसीजन जो है वो अलग तरीके से लेते रहेंगे, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो है आपका 178, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक्सपोजर, क्या है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के या एक्सपोजर के टाइप्स क्या है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का एक्सपोजर है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज रिस्क और एक्सपोजर है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज, कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व है वो आपसे पूछा है, द राइट आंसर इज बी, इसका सही आंसर बी है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्रांजेक्शनल, इकोनॉमिक एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शनल,
एंड इकोनॉमिक, सोशल एक्सपोजर नहीं होता है, तो ये तीन ही होते हैं, तो इसके चलते आंसर कौन सा है, 1, 2 and 4, ठीक है, तो बी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन 179, यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ टर्म्स और यहाँ पर उनकी ऑब्जेक्शन दी गई है कि कौन सा किसको बिलोंग करता है. तो बाली पैकेजेस किससे रिलेटेड है, टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एरिया ऑफ ट्रेड एंड द कैपिटल्स, कौन असिस्ट करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन पूरे कंट्रीज में कहाँ से जुड़ा हुआ है, एंड प्रोवाइड द लोन फॉर द बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपनी कंट्री, ये कौन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, तो ये आपको बताना है. सो द राइट आंसर इज बी गाइज, बी इज द राइट वन. इसी से आप अंदाजा लगा सकते थे कि डी का जो है वो आपका थर्ड ही आना चाहिए और डी का जो थर्ड है वो सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, दैट इज, तो इसलिए आंसर जो है वो आपका बी होगा. ये एक सिंपल सा तरीका हो गया, बाकी देखा जाए तो बाली पैकेजेस की हम बात करें तो बाली पैकेजेस जो है इट्स रिलेटेड टू द WTO, ठीक है, टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड और कैपिटल्स के लिए असिस्ट करना किसका काम होता है, अनफेड का. देन इसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन किससे जुड़ा हुआ होगा, दैट इज रिलेटेड टू द IMF, और ये हमें पता ही है कि लोन्स जो है वो प्रोवाइड कौन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, वर्ल्ड बैंक. ओके, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 180, थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय द डेविड रिकार्डो इन 1870, उसका नाम पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. डेविड रिकार्डो बहुत ही फेमस है और बहुत ज्यादा इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस थ्योरी का नाम क्या है ये आपको बताना है. राइट आंसर इज डी गाइज, टू कंट्री टू कमोडिटीज एंड वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है, टू कंट्री टू कमोडिटी एंड वन फैक्टर थ्योरी. अगर नहीं पता है ना तो मैंने हमेशा से बोला है कि एक नोटबुक लेकर चलिए, जितने भी इम्पोर्टेंट इस तरह की चीजें आपको मिलती जा रही हैं, बुक का नाम, ऑथर का नाम, कोई स्पेशल टर्म आपको मिला है, इन सबको उस पर्टिकुलर कॉपी में नोट करते जाइए, वो आपका एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएंगे. और इसको और ज्यादा रिफाइन करना चाहते हैं तो यूनिट वाइज नोट करते जाइए, जैसे आपको पता है कि कौन सा किस यूनिट को बिलोंग करता है, तो उस यूनिट वाइज आप अपने नोट की दो दो चार चार पेजेस की छोड़ छोड़ के तैयार कर लीजिए, तो जो यूनिट का मटेरियल आपको मिलता जाता है या शॉर्ट नोट मिलते जाते हैं उनको उस जगह पर प्लेस करते जाइए, तो एक छोटी सी बुकलेट आप लोगों की तैयार हो जाएगी. ये बुकलेट आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी एंड इट्स लाइक बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको डे टू डे लाइक एक दिन में दो दिन में उसको रिपीट करते रहें. ओके, सो द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल थ्योरीज दी गई है आपको, सॉरी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर दी गई है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट और यहाँ उनके प्रोफाउंडर्स दिए गए हैं, तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरीज, ये आपके सामने है. इनकी डिटेल वीडियो और साथ ही साथ इनकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर भेजी हुई है जो आपको बिल्कुल क्विक रिविजन्स करा देगी आपका थ्योरीज से रिलेटेड, तो उसको जरूर देख लेना, तो ये सारी चीजें बड़ी जल्दी से आपको याद हो जाएंगी, ठीक है. तो इनमें से भी वही है जिसका पहले पता है आपको, पहले उसको आप मार्क करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और उसी से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है. तो अगेन यहाँ पर सी इज द राइट वन. तो यहाँ मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको ये पता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जैसे मुझे इसका पता था कि इसका जो आंसर है वो 4 आना चाहिए, ठीक है, और एक जो मुझे पता था दैट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की भाई इसका जो है वो क्या हो सकता है, रेमिंड हो सकता है, ठीक है. तो अब ये लोग भी बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, उन्होंने देखो दो ऑप्शंस में यही दे दिया, आप कंफ्यूजन यहाँ फंस गए. तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर हम इसको कंफ्यूजन को निकलने के लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि जैसे हमने जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको एक साथ लिखकर उनके प्रोफाउंडर्स लिखे हुए हैं ना, अब इसको आप 15 दिन तक ना डेली पढ़ो, 15 दिन तक डेली पढ़ो, उसके बाद फिर भले यहाँ 2-2 दिन में पढ़ोगे ना, आपको ये चीज ऑलरेडी रट जाएगी, तो जैसे ही आप देखोगे कोई चीज तो आपकी आंखों के सामने आ जाएगी. तो फैक्टर प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो ऑलिन ने दी हुई है और कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जो है वो आपकी स्टेफन ने दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, इन डैश ग्रेपवाइन अ पर्सन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू अ फ्यू सिलेक्टेड पीपल्स एंड सम ऑफ देम पास इट टू द अदर सिलेक्टेड अदर्स, क्या बोला इन्होंने, ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप होता है, इसमें पर्सन ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ये पर्सन है ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन किसको, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को, इनमें से कुछ लोगों ने अपने सिलेक्टेड पर्सन के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को और ज्यादा सर्कुलेट कर दिया, तो इस तरह की जब कंडीशन आई तो वो क्या बन गई, ये इसने यहाँ पर सर्कुलेट कर दिया, इसी तरह से इसने यहाँ पर सर्कुलेट कर दिया,
तो इस तरह की कंडीशन जो है वो क्या बन गई, छोटे छोटे ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे और छोटे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर। राइट आंसर इज ए। ये आपको यहाँ पर देख सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड गॉसिप चेन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लस्टर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं ग्रेपवाइंस के, उनके आधार पर ही यहाँ पर इसको बताया गया है। और ये वाला है वो लास्ट वाला, इसने बताया, फिर इसने इसको बताया, इसने इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, असाइनमेंट्स मॉडल इज यूज्ड टू, असाइनमेंट मॉडल्स किस लिए यूज किया जाता है, असाइन टू वर्क टू द कस्टमर, असाइन अ टारगेट टू द वर्कर, फाइंड आउट द प्रॉफिट, या असाइन द नंबर ऑफ जॉब टू अवेलेबल मशीन एंड पीपल्स। द राइट आंसर इज डी गाइस, इसका सही आंसर है कि असाइन द नंबर ऑफ जॉब, जॉब नंबर ऑफ जॉब को असाइन करना टू अवेलेबल मशीन एंड पीपल्स के बेसिस पर, जॉब को असाइन करना। ठीक है, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 रिलेटेड टू द असर्शन रीजन। असर्शन कहता है रिटेलर्स आर मिडिलमैन। रिटेलर्स कौन होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, हु प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल द प्रोडक्ट टू द एंड यूजर और द कस्टमर। रिटेलर्स कौन होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, जो प्रोड्यूस, जो हु प्रोक्योर द गुड्स, जो प्रोक्योर करते हैं गुड्स किससे, होलसेलर से, और प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड यूजर और कस्टमर तक के लिए। तो क्या वाकई में रिटेलर मिडिलमैन होते हैं, सोच के देखो। रीजन कहता है दे ऑफर ओनली प्री सेल सर्विसेज टू द कस्टमर। ये सिर्फ प्री सेल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्री सेल सर्विसेज का मतलब बेचने से पहले वाली जो सर्विस होती है वो, मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ऐसा इनका कहना है। तो व्हाट इज द राइट वन, द राइट आंसर इज सी गाइस, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट आर इज फॉल्स। मैंने अभी हिंट भी किया आपको, प्री सेल्स लिखा है यहाँ पर, बट होता क्या है, प्री सेल्स के साथ साथ आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइडेड होती है, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, इसलिए ये जो रीजन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वे मेथड, टीम बिल्डिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और एमबीओ, और यहाँ इनकी डिटेल दी गई है, कौन सा किसको मैच करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 185, तो अगेन आप वही करेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और जो जिसको मैच कर रहा है उसको मिला देंगे। द राइट आंसर इज डी, इसका सही आंसर है डी। सर्वे मेथड कौन सी होगी, सर्वे मेथड अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेंड एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड वर्क आवर्स, सैलरीज एंड द एम्प्लॉयज एटीट्यूड, इन सबके ऊपर इसको लिया गया है। टीम बिल्डिंग क्या हो जाएगा, टीम बिल्डिंग ऑल दीज टीम्स कंप्रोमाइज कंप्राइजेस द सेम रैंक ऑफ वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो होती है ये बेसिकली एक ग्रुप ट्रेनिंग होती है। इट आस्क मेंबर्स टू कम्युनिकेट इन ग्रुप एंड बिल्ड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसका दूसरा नाम होता है टी ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन है आपका एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सो इट इज अ टेक्निक फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द असेसमेंट एंड द परफॉर्मेंस रिव्यू टेक्निक। इसका सिंपल है, आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज इन देयर ओरिजिन। पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, बस ये आपको बताना है। और यहाँ पर इसका सिक्वेंस जो है दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है तो आप बता सकते हैं पहले कौन आया था, बाद में कौन आया। राइट आंसर इज डी गाइस, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। ये जो सिस्टम थ्योरी है ना, ये सबसे लास्ट की होती है, और देख लो ये वन जो है वो इसी में दिया हुआ है लास्ट, तो यही सही होगा। सो एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहले आया था, उसके बाद आया आपका हेनरी फ्योर का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो फिर आया आपका ब्यूरोक्रेटिक जो है वो आपका आया थर्ड नंबर पे, फिर आया आपका एल्टन मायो, और एल्टन मायो के बाद आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंस्ट्रक्ट एंड द प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू देयर प्रीडेंसेस। आपको यहाँ पर दिए गए हैं अकाउंटिंग के कंस्ट्रक्ट और प्रिंसिपल्स, उनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, द राइट आंसर इज बी गाइस, इसका सही आंसर है बी। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंक्लूड सेपरेट एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न, दिस इज द वन, ठीक है। इनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिज्म, द थर्ड इज रिवेन्यू रिकॉग्निशंस, द फोर्थ इज मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल्स, एंड द लास्ट वन इज द फुल डिस्क्लोजर।
सबके मीनिंग पता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज 188. द करेक्ट सीक्वेंस इन द बिजनेस प्लान कैन बी, बिजनेस प्लान का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है. एजुकेटिव समरी, डिटेल अबाउट द एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल एंड ह्यूमन रिसोर्स डिटेल. कौन सा सबसे पहले आएगा वो आपको उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस प्लान का कैसे हम करेक्ट सीक्वेंस बनाएंगे. द राइट आंसर इज बी. इसका जो सही आंसर है दैट इज द बी वन. सबसे पहले हम डिटेल अबाउट द एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर का एक डिटेल हम तैयार करते हैं. सेकेंड हम क्या करते हैं, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल्स हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है, पहले एंटरप्रेन्योर की डिटेल हो गई सारी, उसने अपने हिसाब से होमवर्क कर लिया, सब कुछ कलेक्ट कर लिया, देन मार्केटिंग और इकोनॉमिक डिटेल उसने हासिल कर ली, फिर उसने ह्यूमन रिसोर्स की डिटेल हासिल कर ली. जब इतनी चीज़ें उसके पास आ गई तो फिर वो फाइनेंशियल देखेगा कि कितना उसका फाइनेंशियल जो है एस्टेब्लिशमेंट है या जो चीज़ें हैं उसके पास है या नहीं है उसको उसने देखा. और फाइनेंस की डिटेल देखने के बाद में फिर वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो तैयार कर लेता है. ओके, सो बिजनेस प्लान का यहाँ पर ये बताया गया है. एजुकेटिव समरी लास्ट में इसलिए भी लिया गया है क्योंकि एजुकेटिव समरी का मतलब हो गया कि आपका जो प्लान है वो तैयार हो चुका है, वो किस तरह से रन आउट कर रहा है उसको शॉर्ट में बताना, दैट इज द बिजनेस प्लान समरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, इसके अंदर आते हैं वो आपको बताना है. लाइक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, पेनिट्रेशन, पेरेंटिंग स्ट्रेटजी, पॉज एंड प्रोसीड विद कॉजन स्ट्रेटजी एंड द ग्रोथ स्ट्रेटजी. कौन सा किसको बिलोंग करता है. द राइट आंसर इज बी गाइस. इसका सही आंसर है आपका बी. कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कौन सी होगी, दैट इज पेरेंटिंग स्ट्रेटजी. डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कौन सी होगी, दैट इज ग्रोथ स्ट्रेटजी. रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आपकी कहाँ से जुड़ी हुई है, इट्स टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज पॉज प्रोसीड एंड कॉजन स्ट्रेटजी. ओके, द लास्ट वन इज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. और यहाँ आपको लिस्ट टू दिया गया है और आपको बता रहे हैं कि कौन सा किसको बिलोंग कर रहा है, प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस किसको बिलोंग कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है. सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए. द राइट आंसर इज सी गाइस. इसका जो सही आंसर है दैट इज दी सी. इसका सही आंसर है सी. तो देखो, अगर आप थोड़ा सा समझोगे इस चीज को तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो. अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो ईडीएलपी क्या है, दैट इज दी एवरीडे लो प्राइस. ये ना आपने कई जगहों पर लोगों में भी देखा होगा तो वो लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, ईडीएलपी है ना, एवरीडे लो प्राइस. तो ये प्राइस का एक टेक्निक है. तो इससे ये एक तो ये हो गया, ठीक है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो. बी का थ्री जो है वो सिर्फ इसी में ही मेंशन है और किसी में नहीं है. प्रोडक्ट जो है उसको आप पहचान सकते हो उसके ब्रांड से. अब प्लेस क्या है, प्लेस को आप कैसे पहचानोगे, सो प्लेस को हम डिस इंटरमीडिएशन से पहचानेंगे एंड प्रमोशन क्लिक एंड मोटर कंपनीज. तो दिस इज फॉर लास्ट वन. सो वीडियोज पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और क्या इसमें आपको चाहिए वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है. और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी हार्ड दिस मंथ. टेक केयर.